वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के मिशन के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। मज़ीद तफ़सीलात राव कामरान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के ग्राउंड में शजरकारी के तहत रेस्क्यू की जानिब से साबिक मेंबर कौमी असम्बली सरदार आशिक खान गोबानिक ने पौधे लगाए। इस मौके पर स्टेशन इंचार्ज और साबिक मेंबर कौमी असम्बली ने बताया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हर साल की तरह इस साल भी रेस्क्यू 1122 अलीपुर ने बाकायदा जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से हमने अपने जो स्टेशन है वहाँ पर भी पौधे लगाए हैं और मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में भी जाकर हम पौधे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम इदारे भी हमारे साथ हैं और यहाँ के जो आज हमारे स्टेशन पर सरदार आशिक खान गोबांग ने भी आके यहाँ पर इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और बाकायदा उसका इफ्तिताह किया। मैंने ये जो पौधा लगाया है 1122 सर्विस जो फराहम की जा रही है अलीपुर में, उनके दफ्तर में जो पौधा लगाया है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लियन है और मैं आपके तवस्सुल से पाकिस्तान के हर शहरी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ पौधे लगाना माहौलियात के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि काश्तकार भाई को की खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। ये एक मुनाफा बख्श एक बिजनेस भी है। गुज़िश्ता साल भी पौधे लगाए गए थे जो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं और इस साल भी मजीद पौधे लगाए जा रहे हैं। शजरकारी महम के जरिए माहौलियाती आलूदगी में कमी वाकया होती है, पौधे हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ जो माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होंगे। कैमरामैन चौधरी जवाद के साथ राव कामरान, मुजफ्फरगढ़।